धरती के समुद्रों से 10 गुना ज्यादा गहरा, 150 किलोमीटर मोटी बर्फीली सतह के नीचे दबा है। उन समुद्र में धरती पर मौजूद समुद्र समा जाए, वो इतना गहरा है। आप सही सुन रहे हैं, धरती के बाहर भी समुद्र मौजूद है। आप ये भी जरूर सोच रहे होंगे कि अब तक तो चांद और मंगल पर पानी की तलाश की जा रही थी, अब ये सागर कहां मिल गया, वो भी जिसकी गहराई अथाह है। यूरोपा की सतह पर जल वाष्प का पता चला, जहां पानी है वहां जीवन है। क्या धरती के बाहर भी जीवन है? वैज्ञानिकों के लिए यह हमेशा से खोज का हिस्सा रहा है। इंसान को मंगल और चांद पर पानी के निशान मिले हैं, लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा सागर ही उनके हाथ लग गया है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जल वाष्प का पता लगाया है। मीलों मोटी बर्फ की परत के नीचे महासागर, मंगल और चांद पर बर्फ के रूप में पानी का प्रमाण खोजा गया है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब भाप देखा गया हो। पहली बार यूरोपा की सतह पर जलवाष्प का पता चला है। इससे इस विचार को बल मिलता है कि बृहस्पति के चंद्रमा की मीलों मोटी बर्फ की परत के नीचे तरल पानी का महासागर बह रहा है। ये खोज नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अमेरिका के हवाई स्थित WMK एक वेधशाला के जरिए यूरोपा पर जलवाष्प का पता चला। नासा ने कहा है कि यूरोपा के ऊपर जलवाष्प की पुष्टि होने से वैज्ञानिकों को इस चांद की आंतरिक कार्य प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। तरल रूप में मौजूद है पानी, हवा और पानी जीने के लिए दो जरूरी चीजें, इससे ही जीवन की संभावना है। वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिले हैं कि जीवन के लिए आवश्यक तत्वों में से एक तरल पानी हिम सतह के नीचे मौजूद है, और कई बार यह आकाश में व्यापक उष्ण जल के रूप में निकलता है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि बृहस्पति के इस चंद्रमा को सबसे आकर्षक यही संभावना बनाती है कि इस पर जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद हैं। इससे पहले भी बृहस्पति पर पानी के प्रमाण खोजे जा चुके हैं। वैज्ञानिकों को सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति पर पानी के पक्के प्रमाण मिले हैं। नासा की हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने इस ग्रह के सबसे बड़े चांद गैनीमेडे की बर्फीली सतह के नीचे खारे पानी के सागर की मौजूदगी का पता लगाया है। इस खोज से ब्रह्मांड में पृथ्वी के बाहर भी जीवन के लिए उपयुक्त माहौल की उम्मीद जगी है। गैनीमेडे के भूमिगत सागर में धरती से भी ज्यादा पानी। बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेडे के भूमिगत सागर में धरती से भी ज्यादा पानी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के समुद्रों से 10 गुना ज्यादा गहरा और 150 किलोमीटर मोटी बर्फीली सतह के नीचे दबा है। हालांकि गैनीमेडे के समुद्र के तापमान या गहराई के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लिहाजा इस दिशा में और शोध की जरूरत है। इस अध्ययन को जर्मनी की कोलोन यूनिवर्सिटी के योआकिम जाउर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने अंजाम दिया है। इसका अध्ययन करने पर इसके नीचे पानी मौजूद होने के संकेत मिले। क्या होता है ऑरोरे? सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद है गैनीमेडे। ये एकमात्र ऐसा चांद है जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। इसके कारण इस पर ऑरोरे दिखाई देते हैं। ऑरोरे जगमगाते गर्म इलेक्ट्रिफाइड गैसों के फीते जैसा होता है, जो चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर दिखाई देता है। गैनीमेडे बृहस्पति के काफी करीब है। इसके कारण जब बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है, तो गैनीमेडे के ऑरोरे में भी बदलाव आ जाता है। 1970 से गैनीमेडे धरती के बाहर पानी की खोज सालों से जारी है। गैनीमेडे पर पानी की मौजूदगी को लेकर भी 1970 से ही अटकलें लगाई जा रही थी। 2002 में नासा के गैलीलियो मिशन ने यहां चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया था। इससे पहली बार यहां जीवन की संभावनाओं को बल मिला था। बृहस्पति पर गहरे पानी के प्रमाण तो मिल रहे हैं, लेकिन उसकी पुष्टि के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2022 में बृहस्पति ग्रह के लिए एक यान भेजने की योजना बना रखी है। ये यान 8 सालों तक ग्रह का चक्कर लगाएगा और इसके 3 बड़े चंद्रमाओं को भी पास से जानने की कोशिश करेगा। नासा इसके लिए रडार का निर्माण कर रहा है, जिससे इन चंद्रमाओं की बर्फीली सतह को भेद कर उसके भीतर छुपे रहस्य के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। मिशन जूस से उठेगा रहस्यों से पर्दा। जहां पानी के इतने बड़े स्रोत की संभावना है, वहां जीवों के रहने की भी संभावना है। तो क्या बृहस्पति ग्रह पर जिंदा जीव हो सकते हैं? इन बातों का पता लगाना बाकी है।
इस कारण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित बृहस्पति चंद्रमाओं के मिशन जूस की शुरुआत की है। जूस जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर का संक्षिप्त नाम है। इस अभियान के तहत 2022 में उपग्रह को प्रक्षेपित करने की योजना है, जो 2030 में बृहस्पति तक पहुंचेगा। उपग्रह करीब 3 सालों तक बृहस्पति के वातावरण और उसके बर्फीले चंद्रमाओं का अध्ययन करेगा।